ऑनलाइन करंट अफेयर्स फरवरी 2020 फरवरी 2020 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट वाइज करंट अफेयर्स 2020 एक फरवरी 2020 को राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से किसे फिर से शामिल किया गया, मालदीव। एक फरवरी 2020 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियेम को हराकर। 2 फरवरी 2020 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता, अमेरिका की सोफिया कैनिन ने गार्बाइन मुगुरुजा को हराकर। 2 फरवरी 2020 को किसी द्विपक्षीय T20 सीरीज के सभी मैच जीतने वाली पहली टीम कौन बन गई है, भारतीय टीम। 2 फरवरी 2020 को वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी 2020 को 73वें बाफ्टा अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, फिल्म 1917, निर्देशक सैम मेंडेस। 3 फरवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई, ओडिशा सरकार। 3 फरवरी 2020 को इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने, मोहम्मद तौफीक अलावी। 3 फरवरी 2020 को सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, एम अजीत कुमार। 3 फरवरी 2020 को पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता, विनोद शुक्ल की पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू। 4 फरवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, मैं हूं और मैं रहूंगा, आई एम एंड आई विल। 4 फरवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया जाएगा, अभिनेत्री वहीदा रहमान। 4 फरवरी 2020 को किस देश ने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, श्रीलंका। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया, मध्य प्रदेश। 5 फरवरी 2020 को किस भारतीय राज्य ने कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोग को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है, केरल। 5 फरवरी 2020 को एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है, शक्तिकांत दास। 5 फरवरी 2020 को भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई, दीपा मलिक। 5 फरवरी 2020 को श्रीलंका में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, गोपाल बागले। 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने कितने आईआईटी संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया है, 5 से 8। फरवरी 2020 तक रक्षा मंत्रालय के 11वीं रक्षा प्रदर्शनी 11th डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन कहां किया गया, लखनऊ। 5 फरवरी 2020 को डिफेक्सपो में खगांतक नामक स्वदेशी मिसाइल को प्रदर्शित किया गया। इस मिसाइल का निर्माण किस फर्म द्वारा किया गया है, JRS Dynamics। 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है, जयपुर को। 5 फरवरी 2020 को हॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता का निधन हो गया, कक डगलस। 5 फरवरी 2020 को अमेरिकी संसद सीनेट ने किसे महाभियोग के सभी आरोपों से बरी कर दिया है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 5 फरवरी 2020 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है, 40वें। 6 फरवरी
2020 को कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर एन एस धर्मशक्तु को 6 फरवरी 2020 को 5वां भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? लखनऊ में 6 फरवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जनसेवक योजना शुरू की है? कर्नाटक सरकार 6 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? के परासरन को 6 फरवरी 2020 को सबसे लंबे समय तक 328 दिन अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? क्रिस्टीना कोच 6 फरवरी 2020 को कोलकाता में आयोजित 35वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? बंगाल की राखी हल्दर ने 7 से 11 फरवरी 2020 तक महिंद्रा राजपक्षे भारत की यात्रा पर रहे। वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? श्रीलंका 7 से 8 फरवरी 2020 के बीच 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? मुंबई 7 फरवरी 2020 को जिंदल साउथ वेस्ट JSW ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? क्रिकेटर ऋषभ पंत को 7 फरवरी 2020 को किसने लिंक्डइन के सीईओ पद से इस्तीफा दिया? जेफ वेन ने 7 फरवरी 2020 को ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस एशियाई देश के लिए चिल्ड्रेंस प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है? भारत 7 फरवरी 2020 को 22वां इंटरनेशनल सीफूड शो कहां आयोजित हुआ? केरल के कोची में 8 फरवरी 2020 को किस क्रिकेट टीम ने बिग बैश लीग BBL 2020 का खिताब जीता है? सिडनी सिक्सर्स ने 8-9 फरवरी 2020 तक किस राज्य सरकार ने पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया? त्रिपुरा 8 फरवरी 2020 को देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहां में हुआ? आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में 8 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए किसको नियुक्त किया है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश C.N. रामचंद्रन नायर को 9 फरवरी 2020 को किस देश की क्रिकेट टीम ने भारत को 3 विकेट से हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप खिताब जीता है? बांग्लादेश 9 फरवरी 2020 को देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया है? हैदराबाद मेट्रो रेल 9 फरवरी 2020 को किस अमेरिकी लेखक का निधन हो गया? रोजर कहन 9 फरवरी 2020 को AK-17 बुलेट के खिलाफ दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किसने विकसित की है? मेजर अनूप मिश्रा ने 9 फरवरी 2020 को किस जाने माने RSS प्रचारक का निधन हो गया? पी परमेश्वरन 9 फरवरी 2020 को खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियन 2020 किसने जीता? लद्दाख स्काउट्स ने इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस को हराकर 10 फरवरी 2020 को 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? जोकिन फोनिक्स फिल्म जोकर 10 फरवरी 2020 को 92वें ऑस्कर अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? पैरासाइट यह सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पैरासाइट पहली विदेशी फिल्म है 10 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? पुलेला गोपीचंद 10 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दाल दिवस 10 फरवरी
2020 को हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यासकार और आलोचक का निधन हो गया? गिरिराज किशोर। 10 फरवरी 2020 को टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह। 10 फरवरी 2020 को किस मंत्रालय द्वारा देश के हर बच्चे को वर्म मुक्त बनाने के लिए नेशनल डीवर्मिंग डे आयोजित किया गया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। 11 फरवरी 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी 2020 को 33वां अफ्रीकी संघ ओ शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? इथियोपिया के अदीस अबाबा में। 11 फरवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के घोषित नतीजों में कौन सी पार्टी 62 सीटें जीतकर सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभरी? आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। 8 सीटें। 11 फरवरी 2020 को CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। 11 से 13 फरवरी 2020 तक दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 कहां आयोजित किया गया? भुवनेश्वर। 12 फरवरी 2020 को पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष खिताब किसने जीता? आदित्य मेहता ने विश्व चैंपियनशिप पंकज आडवाणी को हराकर। 12 फरवरी 2020 को पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष खिताब किसने जीता? आदित्य मेहता ने विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को हराकर। 12 फरवरी 2020 को सबसे कम उम्र में मानू टेकानकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली माउंटेनिया कौन बन गई है? भारत की काम्या कार्तिकेयन। 12 फरवरी 2020 को भारत और किस देश ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए? नॉर्वे। 12 फरवरी 2020 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया है? किसके तहत जरूरतमंद परिवार को 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी? हरियाणा सरकार। 12 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? भारत की लालरिम सियामी। 12 फरवरी 2020 को किस राज्य ने रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए कुटुंबश्री होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है? केरल। 12 फरवरी 2020 को हुने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम क्या रखा है? COVID-2019। 12-13 फरवरी 2020 के बीच किस देश के प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की? यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों के प्रतिनिधियों ने। 12-18 फरवरी 2020 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह। 13 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी 2020 को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। 13 फरवरी 2020 को सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? क्रमशः सुषमा स्वराज भवन और सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान। 13 फरवरी 2020 को ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? भारतीय मूल के ऋषि सुनक। 13 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 से 16 फरवरी 2020 तक मार्सेलो हिबेलो डिसूजा भारत की यात्रा पर थे।
वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? पुर्तगाल। 14 फरवरी 2020 को किन दो शहरों के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई? मुंबई और पुणे। 14 फरवरी 2020 को संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट निदेशक कौन नियुक्त किया गए हैं? भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह। 14-15 फरवरी 2020 तक सुरक्षा नीति पर व्यापक विचार विमर्श के लिए 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? जर्मनी के म्यूनिख में। 15 फरवरी 2020 को डैन डेविड पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय शिक्षाविद गीता सेन को। 15 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 15-16 फरवरी 2020 को 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 कहां आयोजित किया गया? गुवाहाटी असम में। 15 फरवरी 2020 को 77वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष तथा महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? क्रमशः सौरभ घोषाल तथा जोशना चिनप्पा। 15 फरवरी 2020 को एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक CMD किसे नियुक्त किया गया? राजीव बंसल। 16 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? गली बॉय। 16 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत अभिनेता तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? क्रमशः रणवीर सिंह तथा आलिया भट्ट। 16 फरवरी 2020 को दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? अरविंद केजरीवाल। 16-21 फरवरी 2020 तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक कहां आयोजित की गई? पेरिस। 17 फरवरी 2020 को की गई घोषणानुसार अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर कहां बनेगा? संयुक्त अरब अमीरात। 18-21 फरवरी 2020 तक आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तीसरा। प्रथम स्थान जापान। 19 फरवरी 2020 को की गई घोषणानुसार टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक मोटो क्या होगा? यूनाइटेड बाय इमोशन। 19 फरवरी 2020 को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? महंत नृत्य गोपाल दास। 19-20 फरवरी 2020 को सड़क सुरक्षा पर तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? स्टॉकहोम स्वीडन में। 19 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। 19 फरवरी 2020 को विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा कौन बन गई है? हिंदी। 19 फरवरी 2020 को देशभर में कौन सा दिवस मनाया गया? मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। 20 फरवरी 2020 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम। 20 फरवरी 2020 को किस विषय के साथ विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया? क्लोजिंग इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। 20 फरवरी 2020 को नए मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में किसे चुना गया है? संजय कोठारी को। 20 फरवरी 2020 को मुख्य सूचना आयुक्त CIC किसे चयनित किया गया है? बिमल जुल्का को। 20 फरवरी 2020 को कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट फंक्शन लाने वाले किस वैज्ञानिक का निधन हो गया? लैरी टेस्ला। 20 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक ICC महिला T20 विश्व कप कहां खेला जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया।
21 फरवरी 2020 को किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की? प्रज्ञान ओझा। 21 फरवरी 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया? लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स। 21 फरवरी 2020 को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100-100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? न्यूजीलैंड के रॉस टेलर। 21 फरवरी 2020 को ESPN महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? PV सिंधु ने। 22 फरवरी 2020 को वैज्ञानिकों ने घोंघे की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? ग्रेटा थनबर्ग। 22 फरवरी 2020 को किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने 34वें कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता? 13 वर्षीय डी गुकेश ने। 22 फरवरी 2020 से खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहां में खेला जा रहा है? ओडिशा में। 22 फरवरी 2020 से प्रधानमंत्री का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अमरजीत सिम्हा और भास्कर खुलबे। 22-23 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 कहां में आयोजित किया गया? दिल्ली में। 24 फरवरी 2020 को जारी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? 77वें। 24 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी 2020 को लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से किसे सम्मानित किया गया? फिल्म अभिनेता मनोज कुमार। 24 फरवरी 2020 को रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजलक्ष्मी देव। 24 फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप 2020 कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद में। 24-25 फरवरी 2020 को किस देश के राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ भारत की यात्रा पर थे? अमेरिका। 24-26 फरवरी 2020 तक नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य SDG पर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां किया गया? गुवाहाटी में। 25 फरवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने जगन्ना वास्थी दीवेना योजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश। 25 फरवरी 2020 को मोहम्मद होस्नी मुबारक का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? मिस्र। 25 फरवरी 2020 को मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता? कर्नाटक की एडलिन कैस्टेलिनो ने। 25 फरवरी 2020 को मुंबई में आयोजित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का खिताब किसे दिया गया? सुपर 30 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋतिक रोशन को। 25 फरवरी 2020 को भारत ने अमेरिका के साथ कितने बिलियन डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? 3 बिलियन डॉलर। 25 फरवरी 2020 को नासा के किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हो गया? कैथरीन जॉनसन। 26 फरवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? अमेरिका। दूसरा स्थान चीन। 26 फरवरी 2020 को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जावेद अशरफ। 26 फरवरी 2020 को किस राज्य में लोसर त्योहार मनाया गया? हिमाचल प्रदेश। 26 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? इंग्लैंड की कप्तान हेदर नाइट। 26 फरवरी
2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पांचवां। 27 फरवरी 2020 को इसरो ने किस महीने सैटेलाइट GISAT-1 को 10 व्हीकल द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की? मार्च। 27 फरवरी 2020 को वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। 28 फरवरी 2020 को सब महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर नीति कुमार। 28 फरवरी 2020 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? विमेन इन साइंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट योर फीडबैक। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।